मैं मातरम, मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की खास पेशकश। और आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। ऐसे में तमाम तरह के मंदिर हैं, जो चाहे अमरनाथ मंदिर हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपने हर किसी के बारे में सुना होगा। और जो लोगों की आस्था यहाँ पर रहती है, वो आस्था सबसे बड़ा केंद्र रहती है। लेकिन आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ मंदिर में, जिसकी मान्यता यहाँ पर कई प्राचीन काल से यहाँ पर कही जा रही है। जब रामायण का दौर यहाँ पर शुरू हुआ था, उस टाइम पे से कहा जा रहा था कि राम युग के दौरान इस मंदिर की स्थापना हुई थी। अब आगे इसका क्या इतिहास है और आगे इसकी क्या मान्यता है, किस तरह की यहाँ पर कहानी और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे, यहाँ के पंडित जी किस तरह से इस मंदिर को देखते हैं और कितने दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं अपनी आस्था को पूरा करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और मंदिर के अंदर एंट्री करने के साथ साथ तमाम जो बातें हैं और पहलू जिन पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर नजर डालना बेहद जरूरी है। तो देखिए मंदिर में किस तरह से आस्था का भाव यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि जब यहाँ मंदिर में एंट्री हुई और उसी दौरान यहाँ पर एक अलख जो ज्योत यहाँ पर जलती हुई नजर आई, उसकी एंट्री भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पर तमाम जो भीड़ मौजूद है, श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, उनकी आस्था से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के हमने कितने भी दर्शन किए हो और भगवान शिव कहीं भी विराजमान हो, लेकिन जो आस्था रहती है वो हमेशा हर किसी के मन में रहती है। और शायद ये वही वानगी है और ये भीड़ जो देखी जा रही है श्रद्धालुओं की, ये वही दर्शाती है कि कितनी आशा भगवान शिव को लेकर और यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं उनको लेकर आम लोगों की, श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखी जाती है। तो देखिए जो भगवान शिव की आस्था है वो किस तरह से लोगों में देखी जा रही है। और हालांकि ऐसे में कहा ये भी जाता है कि भगवान शिव को सिर्फ जो श्रद्धालु थे या फिर यहाँ पर देव देवता थे वही नहीं मानते थे, यहाँ पर जितने भी दैत्य थे वो भी भगवान शिव की उन पर जो अटूट आस्था थी वो यहाँ पर बनी रहती थी। और ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ पर तमाम तरह की चीजें देखी जाती, क्योंकि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान यहाँ पर जहर जब पिया था तब से उनका नीलकंठ नाम दिया गया था। और जो भगवान शिव की आस्था है वो वाकई में एक अलग ज्योत यहाँ पर जगाती है, मन में एक अलग ही यहाँ पर जो आस्था का भाव है वो लोगों के अंदर देखने को मिलता है। लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से भगवान शिव के मंदिर को यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पौराणिक इतिहास के पन्नों में भी इसकी जो गाथाएं हैं वो यहाँ पर दर्ज है और जो श्रद्धालु हैं बड़ी ही आस्था के भाव के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो हालांकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन भगवान शिव की जो आस्था है वो और ज्यादा यहाँ पर केंद्र मान जाती है। और यहाँ पर हमारे साथ एक बच्ची भी मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, आप क्या सोच के यहाँ मंदिर में आए? हम यह सोच के मंदिर में आए कि मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, कुछ मान्यताएं हैं जो यहाँ मानी जाती है उसी की वजह से आया। मेरा भतीजा का मुंडा है उसी की वजह से आया। यहाँ पर मान्यता कई तरह की मानी जाती है, पौराणिक कथाओं में, इतिहास के पन्नों में जो यहाँ की कथा है, गाथाएं वो दर्ज है। ऐसे में ये आस्था का केंद्र किस तरह से बना हुआ है? पौराणिक कथाओं में। तो फिलहाल जो यहाँ पर आस्था के जो भी आस्था है भगवान शिव को लेकर वो किस तरह से देखी जाती है या फिर क्या कुछ है? वो इसलिए देखी जाती है क्योंकि लोग यहाँ मान्यताएं मानते हैं, फिर उनको बाद में पूर्ण करने आते हैं। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो आस्था के केंद्र को देखते हैं। ऐसे में तमाम तरह के जो पहलू और बिंदु यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं आस्था के, वो वाकई में काफी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते यहाँ पर कई तरह की बातें भी कही जाती है। एक आंटी हमारे साथ मौजूद है, आंटी आप क्या सोचिए किस तरह की आस्था है, किस तरह की आस्था है भगवान शिव के? अच्छा आंटी आप भी आएंगे, किस तरह की आस्था भगवान शिव के? आप भगवान शिव के मंदिर में आई हैं, आज सोमवार का दिन है, तो क्या सोच कर आए, किस तरह की मनोकामना, क्या मनोकामनाएं पूरी होती है? हाँ पूरी हो जाती है। और क्या कुछ ध्यान में रखा? बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों की जो आस्था देखी जा रही है वो यहाँ पर कई पहलू और महत्वपूर्ण चीजों को लेकर सामने आती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, आप मंदिर में यहाँ पर किस तरह की आस्था देखी जाती है, किस तरह का जो भाव है वो आप लोगों के मन में आता है? जी हमें बहुत यहाँ अच्छा लगता आने में है। कहा ही जाता है कि मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है जिसकी भी, क्या वो सच है? ये पौराणिक और इतिहास के में पन्नों में देखा जाए तो गाथाएं यहाँ पर मशहूर है, किस तरह से यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ क्लियर होती है? ये हमने अभी पहली बार आई हूँ यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल, तो देखिए जो दर्शन यहाँ करने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में आंटी आप भी आई है, तो किस तरह की आस्था मन में है, क्या कुछ आपके मन में? अच्छा है। आप पहली बार आई हैं? नहीं कई बार आए, मतलब भरोसा भगवान पे? भगवान पे भरोसा है, अच्छा है, कामना पूरी करता है।
बिल्कुल, मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है और ऐसे में मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है उसके साथ साथ ही जो आस्था का केंद्र वाकई में बना हुआ है वो साफ तौर पर, ये भीड़ देखिए उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से लोगों में जो आस्था की स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जाती है। और ऐसे में गोला गोकर्णनाथ मंदिर वाकई में काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित में जो कहानी है, इसकी मान्यताएं हैं, इतिहास के पन्नों में यहाँ पर दर्ज है गाथाएं, कई दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और ऐसे में जो भी मनोकामनाएं यहाँ पर मांगी जाती है वो जरूर पूर्ण होती है। कमेटी के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेम नारायण जी, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह की गाथाएं यहाँ पर हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या मान्यताएं हैं और क्या कुछ कहानी है? ये असल में ऐसा है कि ये रावण के द्वारा लाई हुई मूर्ति है। रावण जो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था और जब तक वो मतलब जो है शंकर जी की पूजन करने के लिए कैलाश पर्वत नहीं जाता था तब तक कुछ ग्रहण नहीं करता था, तो उसने सोचा क्यों न हम शंकर जी को अपनी लंकापुरी में ले आए। तो शंकर जी की बड़ी तपस्या की, तपस्या करने के बाद शंकर जी प्रसन्न जब हुए हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमसे प्रसन्न है, जो भी तुम हमें वर मांगना हो वो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि हमें आपकी कृपा से सभी कुछ मिला हुआ है, अब हमें केवल पूजन के लिए आप आना पड़ता है, तो आप हमारी लंकापुरी में बात करें चल के। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलने को तैयार है, लेकिन एक शर्त हमारी ये रहेगी कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिंग शिवलिंग को जहाँ पे तुम्हें रखना स्थापित करना वहीं पे रखिएगा, अगर कहीं रास्ते में बीच में तुमने जमीन से स्पर्श करा दिया तो हम वहाँ से फिर उठेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सीधे आपको मतलब लंकापुरी ले चलें, बीच में रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो यहाँ से यात्री लोग कांवड़ लेकर जो आते हैं तो पल्ले होते हैं उसमें, एक में शंकर जी ने अपना आकार रखा, दूसरी तरफ बैलेंस के लिए दूसरा आकार रखा। वो लेकर जब वहाँ से कैलाश पर्वत से चला है तो यहाँ रास्ते में पूरा ही जंगल था ये। अब शंकर जी की माया कि वो मतलब लंकापुरी राक्षस नगरी में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए यहाँ चरवाहे के बेस में गणेश जी का अवतार हुआ और वो यहाँ विचरण करने लगे गाय को साथ जानवरों के साथ में। इधर रावण के लघु शंका महसूस हुई, अब उसने सोचा कि मतलब अगर हम टावर को यहाँ रख देते हैं तो यही स्थापित हो जाएंगे। तो इधर उधर देखा कहीं न जाए तो ग्वाला वही गणेश अवतार जो थे उन्होंने कहा भाई ऐसा जाता तो हमारा शिवलिंग का नाम ये कांवर जो है अपने कंधे पर रोक लो और उसके बाद हम जरा लघुशंका से निवृत्त होके आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आइए लेकिन जल्दी आइए क्योंकि ऐसा है कि हमें अपने जानवर भी देखने हैं। तो यहाँ वो शिवलिंग उसको देके लघुशंका के लिए बैठ गया। तो यहाँ से बड़े चौराहे की तरफ जब आप जाते हैं तो बाएं हाथ में एक तालाब है, उसे सत्यवती का तालाब कहते हैं, वो उसे रावण के लघुशंका का ही रूप है। वो वहाँ वो बैठ गया, अब ईश्वर की मात्रा से उसकी ईश्वर की कृपा से उसकी लघुशंका की मात्रा जो है बढ़ती रही। इधर गणेश जी ने आवाज़ लगाई कि भाई ऐसा अपने कांवर को जल्दी संभालो कि हमें इसका भार जो है संभाला नहीं जा सकता। कई आवाजें लगाने के बाद में फिर वो उसने कहा नहीं आगे तो हम रख देते। तो उधर रावण जो था क्योंकि वो ब्राह्मण था लघुशंका के बीच में बोल भी नहीं सकता था, गणेश जी ने कांवर को यही रख दिया। जब वो निवृत्त होके आया है तो देखा कि मतलब वो नीचे रखी हुई, तो उसको बहुत क्रोधित हुआ और उसने पहले तो उसे बहुत उठाने की कोशिश की, फिर क्रोध में आके उसने गणेश जी को मतलब ग्वाले के रूप में जो थे इनको मारने के लिए दौड़ाया। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर जाने के बाद में केन ग्रोवर्स नेहरू डिग्री कॉलेज है, उसके पीछे एक स्थान है भूतनाथ का, वो वहाँ जाके कुएं में गणेश जी कूद गए, वहाँ लक्षित हो गए, फिर वो वापस आया।
वापस आने के बाद भी फिर मतलब बहुत कोशिश की। तो शंकर जी ने कहा कि देखो हमने तुमसे कहा था अगर कहीं भी तुम मतलब हमको जमीन पे रख दोगे तो वहां से हम नहीं उठेंगे। तो वो क्रोधित था कि मतलब उसी सारी तपस्या भंग हो गई थी। तो उसने शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर अंगूठे से प्रेस कर दिया। तो यहाँ का शिवलिंग का आकार जो है गाय के कान के समान है। गोला तो कस्बे का नाम है और गोकर्ण नाथ गाय के कान के समान जो नाथ है। तो आप अगर देखेंगे साफ 2 बजे करीब सफाई होती है तो शिवलिंग कोनिकल शेप में है। जैसे गाय का कान होता है एक तरफ उठा हुआ दूसरी तरफ उठा हुआ वो उसमें मतलब जो है। फिर उसके बाद मतलब ये दूसरा पल्ला जो है यहाँ का वो बैजनाथ धाम में है। बैजनाथ धाम में भी यहाँ की वहां की एक सेम स्टोरी है। यहाँ उसने अंगूठे से प्रेस किया था तो यहाँ तो वो गड्ढे के आकार के हो गए वहां वैसे हुए। हाँ बिल्कुल ये तो मान्यता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो श्रद्धालुओं का ताता है वो यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसके पीछे श्रद्धालु क्यों खींचे चले आते हैं? क्योंकि जो भगवान की आस्था है वो तो उनके मन में है लेकिन इस बीच मंदिर यहाँ बहुत है भगवान शिव के। और गोकर्णनाथ क्यों ही चूज करते हैं यहाँ पर जो चयन क्यों? देखिए ऐसा है कि एक पौराणिक स्थान है ये और रावण के द्वारा लाया है शिवलिंग खुद है। तो जो स्थापित जो है मंदिर है और पौराणिक मंदिर है इसमें बहुत मतलब जो है भिन्नता होती है। आदमी जो जो स्थापित किए हुए मंदिर है उनमें जाने पसंद करने के बजाय जो मतलब पौराणिक है या जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनमें जाना पसंद करता है वही इनकी महत्ता है। इसीलिए मतलब यहाँ पर दिन भीड़ होती रहती है। और सावन में तो मतलब जो है नाग पंचमी के बाद जो सोमवार पड़ता है उस दिन भूतनाथ का मेला यहाँ और वहाँ दोनों जगह लाखों यात्री मतलब यहाँ बराबर आते हैं। अब फागुन आ रहा है ये फागुन में 13 शिवरात्रि जो है शिवरात्रि का शंकर जी का बहुत बड़ा पर्व होता है। फिर उसके बाद चैत आ जाएगा। चैत में ही मैं पूरे महीने भर मतलब जो है यात्रियों की भीड़ यात्रे आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल आज सोमवार है और ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का ताता है वो देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर कई लोग मुंडन भी करा रहे हैं और ऐसे में जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि उनके जो भी यहाँ पर पूर्वज थे वो भी यहाँ मुंडन कराते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है? देखिए ऐसा है कि हर परिवार में एक इष्ट देव की मान्यता होती है। अपने परिवार में जो भी मतलब जो है शिशु होता है उसका मुंडन संस्कार हुआ मरचटना हुआ अन्नप्राशन वगैरह हुआ वो जहाँ या तो पहली बात वो कहीं के अगर मान्यता लिए होते हैं तो वहाँ जाते हैं और नहीं तो वो लोग जो अगर नज़दीक के यहाँ है या कहीं के दूसरे की मान्यता है इस वजह से सब यहाँ मतलब मुंडन भी कराते हैं अन्नप्राशन भी कराते हैं विवाह वगैरह यहाँ मतलब लोग अपने करवाते रहते हैं। बिल्कुल बाबा यहाँ पर जिस तरह से लोग दूर दराज से आ रहे हैं हरियाणा और भी तमाम बड़े बड़े जिलों से यहाँ पर आए कोई बड़ी शख्सियत जो यहाँ पर दर्शन के लिए आती है मनोकामनाएं पूर्ण होती है? यहाँ पर मतलब जो है इसके पहले बहुत से मतलब जो है शख्सियत आ चुकी है जितने मतलब आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब आए हुए हैं। एक बार मतलब जो है आपके का नाम ये आपके प्रधानमंत्री वगैरह हैं और जितने हैं कई लोग मतलब यहाँ आ चुके हैं। इस मंदिर में कोई भगवान शिव की कोई विशेष पूजा अर्चना की जाती है? विशेष पूजा तो यह रुद्राभिषेक वगैरह का है। जो लोग रुद्राभिषेक जिनके मतलब शारीरिक बहुत ही कष्ट होते हैं महामृत्युंजय का जाप है रुद्राभिषेक का है वो अपने यहाँ करवाते रहते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा रिएक्शन ये भी कि जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं का देखा जा रहा है वर्चस्व सबसे ज्यादा कायम है और ऐसे में उनका कहना है कि मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है तो ऐसे में किस तरह से आकर्षित करता है ये आस्था के केंद्र? देखिए ऐसा है कि आदमियों में तो बहुत ही कम लोगों को मतलब जो है टाइम मिल पाता है। औरत आस्था के प्रति मतलब उनकी श्रद्धा जो है ज्यादा रहती है इसलिए वो जो है यहाँ पर मतलब आती रहती है और पूजन करती रहती है। अब मंदिर की भी यहाँ पे जो टाइमिंग है समय क्या है जब दर्शन आती है? असल में ऐसा है कि आजकल 5:30 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब मंदिर खुल जाता है। सुबह आरती होती है फिर यात्रियों के लिए मतलब खुला रहता है। 2 बजे मंदिर पूरा बंद करके पूरी सफाई होती है शिवलिंग के साफ दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद रात्रि 7:30 बजे फिर सफाई होती है। 8 बजे के करीब में श्रृंगार होती है। यहाँ श्रृंगार होने के बाद में फिर जो है पट जो है बंद कर दिए जाते हैं फिर दूसरे दिन ही 5:30 बजे खोले जाते हैं। एक छोटा सा ये भी कि क्या कोई ऐसा समय होता है जब भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हो? ये ऐसा है जिस समय ग्रहण वगैरह होते हैं ग्रहण के बच्चों को मैं सूतक वगैरह चल रहे होते हैं उस समय मतलब जो है
सूतक के पहले ही मंदिर बंद कर दिया जाता है, सूतक समाप्त होने पर मंदिर खोला। ये जितने मंदिर हैं सब जगह यही होता है। बिल्कुल, और कोरोना काल में भी क्या ये मंदिर इसी तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती थी इसी तरह से खुला? नहीं, कोरोना काल में तो मतलब ऐसा रहा कि मंदिर पूरी तरीके से बंद रहे, मतलब कोई भी यात्री अंदर दर्शन कर लिया जा ही नहीं, इसका पूरे पट ही बंद रहे हैं कोरोना काल में। फिर प्रशासनिक गाइडलाइंस के हिसाब से फिर मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उनको ढील दिया गया, तो कुछ यात्री साथ साथ आठ आठ मतलब लाइन में इस तरीके से मतलब जो है चलते रहे। इस समय तो मतलब पूरा मतलब खुला हुआ है। बिल्कुल बाबा, आपने हमसे बात की उसके लिए शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आस्था लोगों में देखी जा रही है, विशेषकर महिलाओं में, और महिलाएं यहाँ सबसे ज्यादा जो वर्चस्व कायम किया हुआ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और बाबा ने अभी खुद यहाँ जिक्र किया कि जो पौराणिक गाथाएं हैं वो आज भी यहाँ कई पन्नों में दर्ज है इतिहास के, और आज भी जब यहाँ पर एंट्री की जाती है तो उस दौरान यहाँ पर भाव और जो आस्था है वो यहाँ पर केंद्रित होती है, और लोगों में सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़ कर है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर मान्यता ये है कि अगर मुंडन कराते हैं तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर अगर की जाती है भगवान शिव के सामने तो वो जरूर पूर्ण होती है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान भी आप तमाम गाइडलाइन का पालन किया गया था, कई तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने आई, और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से श्रद्धालुओं का तांता इस मंदिर में देखने को मिलेगा। जा रही है, हालांकि ये यहाँ पर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है जहाँ पर बेलपत्र के साथ साथ जो भी तमाम सामग्री है जो भगवान शिव को पसंद है वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है, और ऐसे में सबसे ज्यादा यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं, और इसके चलते यहाँ पर कहा जा सकता है जो आस्था बनी हुई है लोगों के अंदर वो साफ तौर पर देखी जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी जा रही है ताकि वो किसी तरह से पूर्ण हो सके, और भी तमाम तरह की जो गतिविधि है वो यहाँ पर सामने आ रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो वर्चस्व कायम है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर तमाम तरह की चीजें जो नजर आ रही है उसके साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि गोला गोकर्णनाथ मंदिर यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो मान्यता है वो आज भी कायम है, क्योंकि पौराणिक और इतिहास के पन्नों में इसकी कहानी गाथाएं दर्ज है। लेकिन इस बीच जिस भी तरह की जो तस्वीरें आ रही है वो वाकई में मन को काफी खुश रखने वाली है। आपको बताइए, अब मेरे पीछे आप ये सरोवर देख रहे हैं, ये काफी बड़ा सरोवर है, और ऐसे में यहाँ पर कई तरह की मान्यता, हालांकि यहाँ पर घूमने के लिए भी लोग आते हैं लेकिन जब दर्शन माते यहाँ पर भगवान शिव के किए जाते हैं तो कहा ये भी जाता है कि सरोवर में आना भी जरूरी है। इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बाबा, इस सरोवर की क्या मान्यता है? ये जो है यहाँ एक गोकर्ण नाम का एक ब्राह्मण था जी, तो उसका एक बछड़ा था, तो बछड़ा जो था कुछ लोग मतलब उसको जो है पकड़ ले गए थे, और पकड़ लेने के बाद में उसको मतलब जो है मुसलमान वगैरह जो है उनको काट के कोई खा गए, और उसकी हड्डियां जो थी यहाँ मतलब तीर्थ में यही मतलब थोड़ा सा पोखरा जैसा था उसमें मतलब उन्होंने गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जब आया तो देखा मतलब हमारा बछड़ा नहीं दिखाई दिया है तो बहुत मतलब उदास हुआ। बाद में उसको मतलब शंकर जी ने मतलब जो स्वप्न दिया कि देखो तुम्हारा बछड़ा जो है वहाँ पे है, और वहाँ पे तुम खोदो जाके तो वहाँ तुम्हारा बछड़ा निकलेगा। तो उसने जब सुबह हुई तो उसने उठा देखा जाके कि मतलब हमारे मतलब जो है यहाँ पे मतलब जो है बताया है, तो वहाँ उसने थोड़ी ज़मीन को मतलब खोदा, और खोदने बाद उसको मतलब कान जैसा नजर आया तो उसने और खुदाई की तो उसमें उसका बछड़ा जो था वो निकल आया। ये बहुत ही गहरा मतलब जो है बीच में कुआं जो दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर बीच में एक और कुआं है जो कि पहले जो था बिल्कुल नीचे से मतलब पाताल लोक से ही पानी ओवरफ्लो होता रहा, जिस तरीके से मिश्रिक में मतलब स्थान जो है ओवरफ्लो पानी होता रहा वैसे यहाँ भी होता रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो तो मतलब भर मिट्टी से दबाव से मतलब कीचड़ से भर गया है। अब तो उस साइड से पहले मतलब जो है जो आपका नहर से पानी आता था उससे आया करता था, और उस साइड उस कोने से मतलब निकल के सतवती तालाब जो है सतवती तालाब उसमें निकल जाता था, सफाई रहती थी। अब उसको तो बंद कर दिया गया है, अब ये पाइपलाइन डाल दी गई है म्यूनिसपैलिटी की तरफ से जो कि पानी अभी मतलब सफाई हुई है, नीचे जो पानी गंदा रहता है भर जाता है, ये कुंभी काई वगैरह जो दिखाई दे रही ये गंदगी थोड़ी यहाँ रह जाती है। वैसे इसकी मान्यता यह है कि इसमें मतलब जो है शंकर जी के मतलब दर्शन करने के बाद में
पहले दर्शन करने पहले यहाँ मतलब आचमन लेते हैं, स्नान भी करते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्नान करने की प्रक्रिया आपने बताई, ऐसे में भगवान शिव के दर्शन करने के साथ साथ इसकी सफाई कब की जाती है, क्योंकि अभी तो हाल काफी खस्ता से नजर आ रहा है। सफाई का अभी मतलब ज्यादा एक महीना हुआ है, सफाई हुई है, लेकिन जब होली के आने के पहले एक बार फिर सफाई हो जाएगी, फिर दूसरा स्वच्छ जाल भरा जाएगा, और उसके बाद चैत शिवरात्रि उधर का आने के पहले मतलब साल में कम से कम 3-4 बार इसकी सफाई पूरा निकाल के, मिट्टी विट्टी निकाल के सफाई करके जल भर दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरोवर चाहे कैसा भी हो, लेकिन ऐसे में इसकी महीने और जो मान्यता है वो तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और ऐसे में जब इसकी सफाई की जाती है तब यहाँ पर और ताता यहाँ दर्शनों का जो श्रद्धालु है उनका लग जाता है। हालांकि अभी भी देखिए कई श्रद्धालु यहाँ पर सरोवर में मौजूद है जो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में भगवान शिव के जब दर्शन किए तो उसके बाद उनकी खुद की ये मान्यता है कि यहाँ पर सरोवर में आना जरूरी होता है ताकि जो भी मनोकामनाएं हैं वो हर प्रक्रिया के सुचारू रूप से चले और हर प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती हुई। तो आस्था क्या होती है ये हमने जाना, और कहा ये जाता है कि भगवान की आस्था, भगवान जिस तरह से चारों ओर बसे हैं आस्था भी उसी तरह हर मन हर दिल और हर तन में यहाँ बसी हुई नजर आती है। और शायद यही वजह है कि लखीमपुर खीरी के जब प्राचीन मंदिर में और पौराणिक गाथाएं जो गाई जाती हैं उसे हमने सुना तो वाकई में वो एहसास हुआ, एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लोगों के सामने आई, और लोगों का जो मनोकामनाएं यहाँ पर मांगने का सिलसिला था वो भी बदस्तूर जारी था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहाँ पर कहा जाता है कि रावण की वजह से यहाँ पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो स्थापित हुआ था। हालांकि कई यहाँ पर बातें सामने भी आई, लेकिन उन सबके बावजूद भी अब भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है, वो किस तरह से आज के दौर में भी जब 2022 चल रहा हो, 21वीं 22वीं सदी में हम लोग हों, उस दौरान भी आज भी जीवित है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो कितनी मजबूत है, क्योंकि भगवान शिव कहा जाता है कि भगवान शिव जब समुद्र मंथन हुआ था तो सिर्फ यहाँ देवी देवता ही नहीं बल्कि जो दैत्य थे वो भी भगवान शिव की पूजा करते थे, उन्हें काफी मानते थे, और शायद यही वजह है कि इस लखीमपुर शहर में आकर हमें उस चीज का एहसास हुआ है। साथ ही बहुत से लोग यहाँ पर जो आए हैं वो भी यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, और मनोकामनाओं के साथ साथ अब यहाँ जो आगे की जो भगवान की पूजा है उसे भी सुचारू रूप से यहाँ पर चलाया जा रहा है। एक बार फिर हम हाजिर होंगे अलग मंदिर में अलग पौराणिक गाथाओं के साथ, लेकिन लखीमपुर खीरी जैसा नजारा आप किस तरह से और बाकी शहरों में निकलकर सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद।